नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। भाजपा नेता पंकज सिंह चंचल ने मंगलवार को तिरंगा यात्रा में परिवार से हटकर राष्ट्र धर्म को प्राथमिकता देने की चर्चा आज जनपद गाजीपुर में जोरों पर रही। आज भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं ने सैदपुर ग्रामीण क्षेत्र नगर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भाजपा कार्यालय सैदपुर से प्रातः 8 बजे शुरू हुआ। जब ये यात्रा करीब 7 किलोमीटर चली ही थी कि पंकज सिंह चंचल के मोबाइल फोन पर ये सूचना मिली कि आपके पिता शिवशंकर सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिस पर पंकज सिंह चंचल थोड़ा दुखी हुए। फोन पर ही घर के लोगों को आवश्यक निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं से कहा, जब तक तिरंगा यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, परिवार से बड़ा देश है। शाम में तिरंगा यात्रा समाप्त होने के बाद पंकज सिंह चंचल अपने पिता को देखने अस्पताल पहुंचे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसी क्रम में आज सैदपुर तहसील में आप लोग के नेतृत्व में ये यात्रा निकली है। कहते हैं कि सुभाष पासी जो भी आयोजन करते हैं वो सफल होता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, और धन्यवाद देना चाहूंगा सारे भारतवासियों को और हमारी बहन, छोटी बहन सपना सिंह चंचल जी, जो हमारे इस विधानसभा के पूरे गाजीपुर जनपद की एकमात्र महिला हैं सपना सिंह जी। और आज जो शोभा यात्रा निकाली गई, ये खाली सैदपुर या गाजीपुर में नहीं, पूरे देश में ये यात्रा निकाली गई है। 9 अगस्त एक ऐसा दिन है, आपने देखा होगा अगस्त क्रांति मैदान के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, और ये देशवासियों के लिए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर हिंदुस्तानी, हर भारतवासी इस यात्रा में अपने आप को शामिल करके गर्वान्वित महसूस करता है। और जिस तरह से तिरंगे की शान हमारे सेना के जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर के उस तिरंगे की शान को बचाए रखा है, आज वह तिरंगा घर घर में लोग अपने मर्जी से अपने दरवाजे पे, अपने घर पे टांग रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसे कहते हैं एकता। आज पूरा देश इस अमृत महोत्सव में एकता की डोरी से, जैसे किसी माला में मणि पिरोई जाती है, वो एक माला की तरह पे पूरा देश है, हर जात धर्म के लोग इस अमृत महोत्सव को और इस तिरंगा महोत्सव को जो घर घर पे लगाया जा रहा है, हर घर पे लगाया जा रहा है, मना रहे हैं। और इस बात का हम लोग को गर्व है कि आज जिस तरह से आयोजन हुआ, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और पूरा विधानसभा के हर लोग जिस तरह से, अध्यक्ष सपना सिंह आपके और पूर्व विधायक सुभाष पासी के नेतृत्व में अमृत महोत्सव को देखते हुए ये तिरंगा शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली आप ना पूर्व विधायक बोलिए ना अध्यक्ष जिला पंचायत बोलिए, सीधे सीधे नाम बताइए, क्योंकि ये ना किसी पार्टी का ये यात्रा है, ना किसी, ये हर हिंदुस्तानी का है। और आज मैं, बड़े भाई हमारे सुभाष भैया, श्रीमती सपना सिंह जी, हम लोग एक हिंदुस्तानी बन के आज ये यात्रा की शुरुआत की। जैसा कि देखा जाए कि आज समाजवादी पार्टी की भी गाजीपुर से शंखनाद किए हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, क्या कहेंगे? देखिए, बुद्धि कम है, क्योंकि मैंने कल परसों माननीय अखिलेश यादव जी का भी इंटरव्यू देखा था, उन्होंने इस तिरंगा यात्रा को एक दंगे के रूप में दर्शाया था। तो उनकी अपनी अपनी सोच है, ऐसी सोच पे को तो हम लोग भैया दूर रहते हैं, ना हमारी उस हिसाब की सोच है, क्योंकि देश हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके बाद कोई चीज़।